हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स अर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 2 सितंबर और 3 सितंबर दोनों की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे, इसी के साथ जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए उन सबको हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है, जो न्यूज आई है, वो आई है काठमांडू डिक्लेरेशन को लेके। तो देखो, आप इसको इस जैसे भी आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काठमांडू डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो आप इजीली समझ सकते हो, इजीली गेस के थ्रू इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो कि यार जो काठमांडू में अंदर अभी रिसेंटली सबमिट हुआ था, जो वो तो हुआ था एक्चुअली बिम्सटेक का, तो ऑब्वियसली बिम्सटेक ही यहाँ पे हो सकता है। देखो, एग्जाम में हम काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें डायरेक्ट फैक्ट नहीं पता होता है, बट फिर भी हम उनको थोड़ा हमारे पास जो भी ऑप्शंस होते हैं उनके थ्रू हम एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि काठमांडू डिक्लेरेशन है जो ब्रिक्स का भी समिट हुआ था नेपाल के काठमांडू में, वहीं पे काठमांडू डिक्लेरेशन की बात है वो की गई थी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि काठमांडू डिक्लेरेशन के पॉइंट क्या है कुछ। देखो, काठमांडू डिक्लेरेशन का कोई बेसिक एक पॉइंट तो है नहीं, काफी सारे डायमेंशन यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की गई। इसके साथ ही आपस में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसके ऊपर आपस में सपोर्ट देने की बात है वो की गई थी। इसके साथ ही रीजनल जो कनेक्टिविटी आपस में, उस कनेक्टिविटी को बनाए हुए रखना है, रोड कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी और अदर जो ऑप्शन हो सकते हैं वाटर कनेक्टिविटी के द्वारा, उन सबको सपोर्ट करने की बात यहाँ पे की गई। इसके साथ ही पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया था, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि पॉवर्टी की तरफ फोकस किया गया। अब आपको यूपीएससी जैसे क्या करेगी, एग्जाम में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे देगी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, जो कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए, या फिर ओनली फोकस ऑन पॉवर्टी। तो भाई जहाँ पे ओनली आ गया उसका मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ओनली का मतलब यह है कि आपको उस चीज के बारे में 100% पता होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे छोटा सा फैक्ट हमें ध्यान है वो रखना है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया गया था, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बातें वो की गई। इसी के साथ ही एग्रीकल्चर कोऑपरेशन और जो आपस में वीजा प्रोसेस है आपसी कंट्रीज में, उसके ऊपर फोकस वो किया गया ताकि कम से कम समय में वीजा मिल सके और आपस में क्लियरेंस होकर लोग विजिट वगैरह कर सकें। तो हमें ध्यान रखना है कि जो काठमांडू डिक्लेरेशन है वो ब्रिक्स रिलेटेड है। देखो, ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं इसके बारे में हमने बेसिकली डिस्कस तो किया था, बट आपको बता दूं जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी 1997 में उसके तहत ब्रिक्स वो बनाया गया था। तो यहाँ पे एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या है। बैंकॉक डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि भाई ब्रिक्स को बनाया गया था, मतलब घोषणा हुई थी 1997 में, उसके बाद ब्रिक्स को निर्माण या ब्रिक्स कंट्रीज का निर्माण है वो बेसिकली किया गया था। बाकी जो ब्रिक्स के बारे में जो फैक्ट्स है वो हमने 1 सितंबर वाली वीडियो में डिस्कस है वो किए थे, बस एक छोटा सा फैक्ट लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लेके। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसको अभी एक्चुअली उसकी ब्रांचेस वगैरह ओपन करने की बात है वो चल रही है, मतलब 2018 तक जो उसकी 1,65,000 के आसपास जो पोस्ट ऑफिस है उन सब में ब्रांच होने की बात की जा रही है। तो कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, बट पेमेंट बैंक के बारे में यूपीएससी ने 2016 में भी क्वेश्चन पूछा था और वापस फिर भी कभी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो एक बार हम इसकी तरफ देख लेते हैं कि पेमेंट बैंक होता क्या है पहले, फिर हम कंटेक्स्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, पेमेंट बैंक है ना, उनका एक तो प्रॉन के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि एक तो उनके पास मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ की होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि वो 1 लाख तक का ही डिपोजिट वो ले सकते हैं, मतलब कस्टमर पेमेंट बैंक के अकाउंट में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही डिपोजिट करवा सकता है। तीसरा फैक्ट क्या है कि वो पेमेंट बैंक है वो लोन नहीं दे सकते किसी को। चौथा फैक्ट ये है कि पेमेंट बैंक है वो डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट मतलब डीडी है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सॉवरेन शेयर, मतलब जो पेमेंट बैंक होते हैं उनके अंदर एफडीआई अलाउ होती है। जैसे कि आपको बता दूं कि जो भी पेटीएम हम यूज करते हैं, पेटीएम का भी एक पेमेंट बैंक है, तो पेटीएम के अंदर आपको पता है कि जो चाइना की एक कंपनी है उसका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब एफडीआई पेमेंट बैंक के अंदर अलाउ है वो की गई है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि जो डेबिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होते हैं, वो इनके द्वारा इश्यू किए जा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके का लोन ही होता है, तो लोन इनके द्वारा नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही जो ऐसे जो कम रिस्क वाली चीजें होती हैं जिनमें रिस्क नहीं होता, कहने का मतलब सॉरी, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर इंश्योरेंस जैसी चीजें होगी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले लीजिए, ये सारे फीचर्स वगैरह ये एक्चुअली प्रोवाइड है वो करवा सकते हैं, मतलब इनमें रिस्क नहीं है कस्टमर के लिए। तो ऐसी चीजें अब हम थोड़ी बात ये करते हैं कि पेमेंट बैंक की बातें करें कि भाई इनकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, पेमेंट बैंक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो शहरी एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है,
शहरी एरिया में आप देखोगे तो अर्बन एरिया के अंदर बैंक वगैरह बहुत सारे हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट रूरल एरिया के अंदर क्या है कि बैंक बहुत कम है, बहुत गिनी चुनी गई ब्रांचेज होती हैं बैंकों की। तो इससे क्या होता है कि लोग बैंकों के साथ जो कम्युनिकेट है वो नहीं कर पाते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते हैं। लोग मतलब क्या है कि डायरेक्टली सारा काम कैश में करते हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई सारा काम डिजिटल हो रहा है, तो क्यों ना क्यों रूरल एरिया के अंदर भी फोकस किया जाए। इसीलिए आपको पता है कि जनधन आधार स्कीम आई थी, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि भाई सभी लोगों के अकाउंट्स वगैरह होने चाहिए, ताकि उनका जो भी पैसा वगैरह है वो सारा मतलब अकाउंट्स वगैरह में ही है, जिससे क्लियरेंस वगैरह बना रहे। और उसी तर्ज पे मतलब हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, ताकि रूरल एरिया के अंदर देखो ऑलरेडी आपको पता है कि पासपोर्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस होते हैं वो तो रूरल एरिया में काफी जगह होते हैं। तो अगर वहां पे भी अगर हम बैंक बना दें, उनको बैंक का मौका दे दें, तो वो एक्चुअली लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसी तर्ज पे गवर्नमेंट ने प्रावधान किया कि इंडिया के जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया जाए, ताकि वो एक बैंकिंग एरिया की तरह भी काम कर सकें। और रूरल एरिया के अंदर जिन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत सपोर्ट की जरूरत है, वो लोग वहाँ पे अपना सपोर्ट वगैरह पा सकें। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पेमेंट बैंक क्यों बनाया गया था। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर जो पेमेंट बैंक है इसकी। देखो जो इंडिया का पोस्ट ऑफिस जो पेमेंट बैंक बनाया गया है, यह एक तरह की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। बेसिकली इसकी जो आप बोलोगे 100% ओनरशिप है, वो तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। बट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको गवर्न करने का काम है वो किया जाएगा RBI के द्वारा। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि देखो बैंकों को रेगुलेट कौन करता है, ऑब्वियसली RBI करता है। तो इसलिए रेगुलेट वगैरह करने का काम है वो RBI करेगी, बाकी सारे काम है जो फंड वगैरह का वो सारा एक्चुअली गवर्नमेंट का है। तो कुछ बेसिक फीचर्स थे इसके, अपने पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है स्वाधार ग्रह स्कीम के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ये है कि स्वाधार ग्रह स्कीम के तहत यूपी गवर्नमेंट ने वृंदावन में कृष्णा कुटी नाम के एक एक्चुअली उन्होंने संस्था या कृष्णा कुटी नाम के एक भवन मतलब उन्होंने स्कीम है वो स्टार्ट की है। इस स्कीम का मेन फोकस ये है कि जो विडो महिला जो विधवा महिलाएं हैं उनको एक्चुअली शेल्टर या उनको आवास के तहत सपोर्ट है वो दिया जा सके। अब हम पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्वाधार ग्रह स्कीम के बारे में। देखो स्वाधार ग्रह स्कीम में वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टार्ट है वो की गई थी। हमारे देश में भी काफी सारी वुमेन्स हैं जिनको या तो वो विधवा हैं, या फिर उनको घर वालों ने त्याग दिया, घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, या फिर जैसे वो जेल वगैरह में रही हैं तो उनको घर वालों ने फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे रीजन्स हैं कि मतलब महिलाओं को अलग अलग रखा गया है। तो उन महिलाओं को हमारी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में कनेक्ट किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्वाधार ग्रह स्कीम है वो लॉन्च की थी। इसका मेन मोटो ये है कि जो भी वुमेन है, जो मतलब बेसहारा वुमेन है, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए सपोर्ट दिया जाएगा, उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी चीजें की जरूरत है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ ही उनको हेल्थ के ऊपर भी उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत है या फिर उनको काउंसिल वगैरह कोई भी कंसल्ट वगैरह की जरूरत है, वो सारी फैसिलिटी एक जगह उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जैसे किसी के पास घर की जरूरत होता है, उसको रहने के लिए जगह नहीं है, तो उसको वहां पे क्या किया जाएगा, स्वाधार ग्रह स्कीम के तहत उसको वहां पे रहने के लिए जगह दी जाएगी। इसके साथ ही उसको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी अपनी सोसाइटी के साथ कनेक्ट होने के लिए, हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट वगैरह जैसी चीजों पर फोकस किया जाएगा। तो अभी इसी स्कीम के तहत एक्चुअली क्या किया, यूपी गवर्नमेंट ने कृष्णा कुटी नाम का एक एक्चुअली भवन या कृष्णा कुटी नाम की एक्चुअली उन्होंने एक संस्था स्टार्ट की है, जिसमें क्या होगा कि लगभग 1000 विधवा महिलाएं हैं उनको बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट हो दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमली वो विधवा वुमेन के साथ और भी तरह की वुमेन इंक्लूड हो सकते हैं जो कि बेसहारा है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो ये चीज हमें ध्यान यहाँ पे रखनी है कि स्वाधार ग्रह स्कीम है क्या। इसके साथ ही यूपी गवर्नमेंट का जो स्टेप लिया गया कृष्णा कुटी, ये भी बेसिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है नेशनल वाटरवे वन के बारे में। कंटेक्स्ट तो कुछ खास नहीं है, बट हम एक बात देख लेते हैं, नेशनल वाटरवे कौन सा है। नेशनल वाटरवे वन है वो एक्चुअली गंगा भागीरथी और जो हुगली रिवर है उसके ऊपर बनाया गया है। कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक। देखो बेसिकली इसमें बात हम करें, हमारे देश की गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, और जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है इसका मेन मोटो ये रखा गया था कि जो भी हमारे देश के इंडियन वाटरवेज हैं इनको एक्चुअली डेवलप किया जाए और इनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो बेसिकली जलमार्ग के थ्रू किया जा सके। क्योंकि देखो जो भी जल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, डीजल पेट्रोल का ज़्यादा लॉस भी नहीं होता, काफ़ी सारे बेनिफिट उससे हो जाते हैं। और उसी तर्ज पर जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत नेशनल वाटरवे वन को डेवलप है वो किया जा रहा है। एक चीज आपको यहाँ पे इफेक्ट ये ध्यान रखना है कि जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है इसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड है वो किया जा रहा है।
इसके साथ ही जो कॉमर्शियल नेविगेशन सपोर्ट है, मतलब कॉमर्शियल नेविगेशन, उस पर फोकस किया जाएगा। और लगभग 1500 जो 2010 के जो शिप्स वगैरह हैं उनको भी मतलब इस तरीके से मौका दिया जाएगा कि वो इस वाटरवे के थ्रू रन वगैरह कर सकें और ट्रांसपोर्ट की स्पीड को एनहेंस या बूस्ट कर सकें। तो ये तो था हमारा जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री का है। देखो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर है वो बेसिकली जरूर प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर की तरफ खोजोगे, जैसे आपको नहीं पता है या आप गूगल गूगल करोगे, तो आपको काफी सारी चीजों का एडिशनल पता भी चलता है और वो आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल है वो होती है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है तो प्लीज आप उसका आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल वाटरवेज है इनको कौन मतलब रेगुलेट करता है, कौन इनको फोकस करता है। वो काम किया जाता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा। और इनलैंड वाटरवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो बेसिकली एक स्टेचुरी बॉडी है जिसका काम ही है कि हमारे देश के अंदर जो वाटरवेज हैं, जो कि मतलब इंडिया के अंदर के वाटरवेज हो गए इनलैंड वाले, उन वाटरवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेसिकली फोकस आउट करते हैं, मतलब उनको डेवलप करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। एक फैक्ट यहाँ पे आता है कि नेशनल वाटरवे वन है वो कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है, वो कहता है यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे उत्तराखंड इंक्लूड है वो नहीं किया गया, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी की बार ऐसे ही स्टेटमेंट्स वगैरह के थ्रू क्वेश्चन पूछ लेती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है बेसिकली यहाँ पे वो आया है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दो, उनको लेके। देखो चेनाब रिवर है उस पर दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया और उनको लेके पाकिस्तान को बहुत बड़ा कंसर्न है। सबसे पहला तो एक है वो है पकलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा वो है लोअर कलानाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इन दोनों को लेके पाकिस्तान को आपत्ति है वो रहती है बार बार। तो अभी इंडिया ने ये किया है कि इंडिया ने एक्चुअली पाकिस्तान को कहा कि भाई आप अपने कोई भी दो तीन मतलब एग्जीक्यूटिव वगैरह को आप भेजिए ताकि वो आके देख लें कि भाई हम कर क्या रहे हैं, मतलब आपको ऐसा भ्रांति नहीं हो कि हम पानी को डाइवर्ट करें वगैरह कुछ भी हो। तो उन्होंने चेक करने के लिए पाकिस्तान को कहा कि आप अपने मतलब ऑफिसर्स वगैरह को किसी को भेजिए। तो हमारे लिए दोनों ही पावर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। देखो जो पकलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये बेसिकली चेनाब की एक मेन चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मारुंदर रिवर। ये मारुंदर रिवर है, इसके ऊपर बेसिकली 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और जो दूसरा लोअर कलानाई जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली चेनाब के ऊपर ही है, ये है 48 मेगावाट का। इसमें दो प्रोजेक्ट है बेसिकली 24-24 मेगावाट के। तो ये इसमें होगा क्या, डैम वगैरह बनाए जाएंगे, टनल वगैरह बनाए जाएंगे और जो पावर हाउस वगैरह क्रिएट किए जाएंगे ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक तरीके से मेंटेन या उसको एनहेंस कंटिन्यू रखा जा सके। तो दोनों ही प्रोजेक्ट का हमें नाम ध्यान रखना है कि कौन सी रिवर में, यूपीएससी यही बेसिकली मेज द फुलंग वगैरह में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है सार्क एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बिजनेस फॉर्म के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ये है कि सार्क एग्रीकल्चर सॉरी कंटेक्स्ट ये है कि सार्क एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फॉर्म है, इसका जो पहला फॉर्म था वो बेसिकली नेपाल के काठमांडू में भी होस्ट है, वो किया गया था नेपाल के द्वारा। तो ये कंटेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि सार्क एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फॉर्म का पहला जो सेशन था, ये जो पहला फॉर्म था वो नेपाल के काठमांडू में आयोजित है, वो किया गया था। ये बेसिकली आयोजित किया गया था, वो किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन, आपको पता है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और जो एशियन के जो फार्मर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है। अब हम बात करें इसका मेन मोटो क्या है। देखो इसका मेन मोटो ये है कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाए और जो सारे कंट्रीज हैं वो आपस में एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ अपने और स्ट्रॉन्ग रिलेशन इम्प्रूव करें और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ें। ये बेसिकली इस पर फोकस किया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सार्क के बारे में भी, इसी के साथ ही हम बात करेंगे साफ्टा, SAFTA। साफ्टा का मतलब है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो बेसिकली सार्क कंट्रीज के बीच में साइन किया गया था 2004 में और ये एक्टिव फॉर्म में आया था 2006 में, बट अभी तक इसको प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि सार्क कंट्रीज के बीच में आपस में सहमति नहीं बन रही है। बेसिकली तो इसका मेन मोटो ये था कि सार्क कंट्रीज हैं उनके आपस में बीच में जो ट्रेड है उसके अंदर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं हो, कोई भी बैरियर वगैरह नहीं हो ताकि इजीली ट्रेड हो सके, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा इश्यू हमेशा बना हुआ रहता है। तो कुछ सार्क की हम बात करें, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये बेसिकली एक जियो पोलिटिकल कोऑपरेशन है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जियो पोलिटिकल कोऑपरेशन है, इसमें 8 कंट्रीज इसके मेंबर है जो कि साउथ एशिया के मेंबर है। जैसे कि बात करें इंडिया इसका मेंबर है, नेपाल इसका मेंबर है, भूटान इसका मेंबर है, श्रीलंका इसका मेंबर है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव।
पर मालदीप पे आपको फोकस करना है कि यार मालदीप भी इसका मेंबर है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है वो नहीं है, मतलब साउथ एशिया की कंट्रीज बेसिकली इसका मेंबर है। अब बात करें हम इसकी मीटिंग वगैरह की, देखो तो इसकी मीटिंग वो हर साल आयोजित की जाती है, बट कई बार बायकॉट वगैरह भी कर दी जाती है, जैसे कि लास्ट टाइम इंडिया के पास आई थी तो इंडिया ने बायकॉट कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने काफी सारे अटैक वगैरह, मतलब उड़ी जो अटैक वगैरह हुआ था, काफी सारे इश्यूज हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया ने उसको कैंसिल कर दिया था। तो ये चीज थोड़ी हमें ध्यान है वो रखनी है, और आजकल तो इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज काफी ज्यादा चल रहे हैं। और इसी के साथ अहम बात यह है कि जब भी सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर आपस में मीटिंग वगैरह करती हैं तो वो एक्चुअली डिप्लोमेटिक समिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें सभी डिप्लोमेटिक आके अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की फोकस तरफ बढ़ाते हैं। बात करें हम इसके सेक्रेटेरिएट की, तो वो काठमांडू में है नेपाल में, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू में है, जो कि सार्क के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उनको मॉनिटर या उनको रेगुलेट वगैरह करता है। सार्क की हम बात करें तो ये बनाया गया था 1985 में और हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई सार्क का हेडक्वार्टर ढाका में है और सेक्रेटेरिएट है वो नेपाल के काठमांडू में है। सेक्रेटेरिएट का काम बेसिकली क्या है, जो भी इसकी एक्टिविटीज होती है उनको रेगुलर मॉनिटर करना, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका में बांग्लादेश में बनाया गया है, तो इफेक्ट हमें थोड़ा ध्यान वो रखना है। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल आया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूसीसी के बारे में, तो देखो अभी लो कमीशन है उसने अपनी रिकमेंडेशन वगैरह दिए हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट वगैरह किया जाए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी के लिए इक्वल रूल होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म सिविल सब लोग हैं वो इक्वल है, कोई ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के आड़ लेके कुछ भी करे, नहीं सब लोगों के लिए इक्वल रूल है वो होनी चाहिए। जैसे के लिए मुस्लिमों के अंदर शादी के बाद कुछ अलग रूल होते हैं, हिंदुओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी क्राइम कर रहा है, बेसिकली देखो यह इशू आपको बताऊं तो वो उठता है ट्रिपल तलाक को लेके, कि हिंदुओं को लेके तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बना रखी है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये भी हमारे देश में ऐसे प्रावधान है कि अगर कोई भी मतलब तलाक वगैरह देना चाहता है तो उसकी प्रॉपर प्रोसीजर होती है, बट मुस्लिम्स में भी ऐसा नहीं है, वहां पे 3 तलाक का इशू है वो बना हुआ रहता है। तो उसी तरह से भी बात की जा रही है कि भाई सब एक कंट्री है तो यूनिफॉर्म तरीके से जो सिविल रोड है, सिविल जो राइट्स हैं वो सभी लोगों के होने चाहिए। तो इसका मेन मोटो यही है कि सभी देश के जो एवरी सिटीजन है, मतलब देश के हर नागरिक के पास एक्चुअली रिलीजन वगैरह को लेकर कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है कि अपने ही अपने तर्ज पे नहीं करना है सब कुछ, एक कंट्री के नाते हमें एकजुट होकर रहने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है संविधान का, वो बेसिकली ये चीज कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो होना चाहिए, बट वो अलग बात है कि इसको अभी तक इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति वो चलती रहती है, मतलब सभी धर्मों के लिए नहीं, सभी लोग हैं उनके लिए इक्वल राइट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए शादी के बाद अलग राइट हो, मुस्लिमों के लिए अलग राइट वगैरह हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि बेसिकली आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि हिंदुओं में शादी के बाद ये होता है कि वुमेन है वो उसका प्रॉपर्टी पे हिस्सा रहता है, बट ऐसा मुस्लिमों के लिए अलाउ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इक्वल नहीं हुआ ना, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है कि देश के हर नागरिक है वो धर्म को छोड़ के एक है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभी लो कमीशन ने इसके बारे में काफी सारे रिफॉर्म की बात हो गई है कि फैमिली जो भी लो है हमारे देश में उनमें रिफॉर्म करने की हमें जरूरत है, क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग लो है जिसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते रहते हैं। तो ये बात हमें थोड़ी ध्यान है वो यहाँ पे रखने की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन से में इस बात के बारे में चर्चा है वो की गई है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है इक्वलिटी की, कि सब लोग कानून के सामने इक्वल है, कोई हिंदू मुस्लिम है वो अलग नहीं है, कानून जिस किसी ने भी क्राइम किया है तो उसका मतलब सजा उससे मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो उसे छोड़ दो, मुस्लिम है तो उसे छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, कानून के समक्ष सब लोग समान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या फिर चाहे किसी भी हो, मतलब कोई भी पर्सनल जो लॉ है उनको कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाने की जरूरत है ताकि सब लोगों के लिए इक्वल लॉ वगैरह बन सके। तो ये चीज थोड़ी हमें ध्यान वो यहाँ पे रखनी है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।